हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल्स टू 4.9 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 5.3 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल्स टू 6.8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू 6.2 सेंटीमीटर और हमें एंगल दे रखा है 70 डिग्री। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें चारों साइड दे रखे हैं और एक एंगल दे रखा है। तो सबसे पहला काम है हमारा एक रफ डायग्राम बनाना। तो एक मैं ऐसे कोई चार साइड वाला कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो इसके एक साइड है 4.9 सेंटीमीटर, बी सी है 5.3 सेंटीमीटर, फिर सी डी है 6.8 सेंटीमीटर, ऐसे ही ए डी है 6.2 सेंटीमीटर और हमें दे रखा है एंगल भी 70 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन में हम वो वाली लाइन चूज़ करते हैं जिस पे एंगल हो। तो देखो इस पे एंगल है, यानी कि हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, ए बी ड्रॉ करेंगे। तो स्केल से हम 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये देखो, सॉरी 4.9 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से 4.9 तक की, तो ये 4 हो गया और ये 0.9, 4.9 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींच ली ए बी, इसका कितना है 4.9 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना, अब एक कंपास लेना, कंपास को ओपन करना जितना मर्जी आपका, इस पे पॉइंट रखना और ऐसे ट्विस्ट कर देना, ऐसे एक सेमी सर्कल बनाना है, इसे हम बोलते हैं आर्क। एक सेमी सर्कल बना लिया, अब इसमें इस ये जो सेमी सर्कल स्टार्टिंग है इधर से एक बिना हिलाए, कंपास को हिलाना नहीं है, बिना हिलाए एक यहाँ आर्क मारना है, फिर जहाँ आर्क मारा वहाँ कंपास रखना है, फिर एक और आर्क मारना है, तो फिर जहाँ वापस कंपास रखा है वहाँ से एक और आर्क। मैं एक्चुअली सॉरी हिल गया थोड़ा, तो वापस हम ठीक करेंगे। तो इधर से अगर आर्क मारोगे ना तो वो यहीं आएगा, मतलब इस पॉइंट पे। तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। अब हमें बनाना कितना है 70 डिग्री। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो बिना हिलाए कंपास को ऐसे एक आर्क मारना है और एक इस साइड से आर्क मारना है। हाँ, ये जो पॉइंट आया ना यही 90 डिग्री है। तो इसे क्या करना है, पेंसिल से मिला लेना है, डॉट 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 लाइन बनाएंगे क्योंकि हमें 90 डिग्री बनाना नहीं था। तो 90 डिग्री देखो, हम इसे डी से भी कंफर्म कर लेते हैं। तो डी को कैसे देखते हैं, ये जो ये प्लस वाला साइन है ना इसे ऐसे रखते हैं और इसका लाइन ये जो ये वाली लाइन है अपन ए वाली लाइन पे होनी चाहिए। तो ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, देखो एक मिनट, हाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, हमने 90 डिग्री बनाया। अब पर हमें बनाना कितना है 70 डिग्री। तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमने कंपास देखो इतना ही जितना ये है, जितने का आर्क खोला था उतना ही रख लेना। ये 90 डिग्री का जो क्रॉस है इससे एक आर्क ऐसे मारना है और फिर इधर से ये जो ये देख रहे हो, यहाँ हमने आर्क मारा, इसकी स्टार्टिंग से इस 90 डिग्री तक का हमें आर्क खोल लेना है। फिर हमें यहाँ 60 पे रखना है और ऐसे ऐसे करके इस पर आर्क मार देना है। तो ये जो क्रॉस हुआ ना जिस पॉइंट पे, एक मिनट वापस कर लेते हैं, हाँ तो ये जिस पॉइंट पे क्रॉस हुआ ना वो पॉइंट को हमें इससे जोड़ देना है। ये देखो इससे जोड़ देते हैं, इस पॉइंट को जोड़ दिया, तो ये एंगल हो गया 70 डिग्री। देखो हम चेक कर सकते हैं, ये देखो एक मिनट, हाँ ये देखो 70 डिग्री है। हाँ अब हमने 70 डिग्री बना लिया। अब हमें क्या करना है, ए बी हमने बना लिया, अब बी के 70 डिग्री के आगे क्या है सी। तो बी सी कितना है 5.6 सेंटीमीटर। तो हमें कुछ नहीं करना, ये स्केल का यहाँ ये जो लोहा है मतलब ये निप है ना, इसे जीरो पे रखना है। अब यहाँ से 5.3 सेंटीमीटर खोलना है, देखो 5.3 सेंटीमीटर हमने खोल लिया। अब इसे इस पे रखो, इस पॉइंट बी पॉइंट पे, और ऐसे एक आर्क लगा दो, आर्क लगा दिया, ये हो गया सी। ये इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे सी। से अब हमें फाइंड करना है कि ए और सी में क्या कॉमन है। देखो ए और सी में ए डी और सी डी यानी कि डी कॉमन है। तो हम पहले ए से निकालते हैं ए डी, ए और डी कितना है 6.2 सेंटीमीटर। तो फिर से वही करना है, निप यहाँ रखनी है जीरो पे और 6.2 सेंटीमीटर हमें नाप लेना। एक मिनट, ने फैल गई, 6.2 सेंटीमीटर हमने नाप लिया। अब 6.2 सेंटीमीटर पे ए पे पॉइंट रखना है क्योंकि 6.2 क्या है डी, तो 6.2 पे, अच्छा यहाँ एक्चुअली मैंने गलत निशान ले लिया, देख लो ऐसा कुछ आएगा, ठीक वैसे इधर नहीं आएगा, सॉरी ये इधर कहीं आएगा, ओके। तो यहाँ हमने आर्क मार दिया ऐसी। अब हमें क्या है, सी और डी 6.8, तो 6.8 ऐसे जीरो तक खोल लो या फिर उल्टा कर दो, या फिर इसे 6.8 पे रख के जीरो तक खोल लो या फिर इसे जीरो पे रख के 6.8 तक खोल लो, बात बराबरी पड़ती है, ओके। तो एक मिनट टाइट कर ले रहा हूँ मैं। तो अब इसे क्या करना है, सी पे रखना है, सी जहाँ हमने कट मारा इसे यहाँ पे, और इससे ऐसे आर्क मार देना। तो यह जहाँ क्रॉस हो रहा है ना इस पॉइंट को ए से मिला दो, देखो इस पॉइंट को ए से मिला दिया और इसी पॉइंट को सी से मिला दो, इस पॉइंट को सी से मिला दिया। तो ये जो पॉइंट आया ना ये है डी, यानी कि हमने ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी। तो अब हम इन सब की ना नेमिंग कर देंगे, जैसे ये हो गया 70 डिग्री और ये हो गया बी और सी, कितना था हमारा
बी और सी था 5.3, तो यहाँ हम लिख देंगे 5.3 सेंटीमीटर। ऐसे ही सी और डी कितना था 6.8 सेंटीमीटर, तो 6.8 सेंटीमीटर। और ऐसे ही ए डी 6.2 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर। आप इसे स्केल से भी चेक कर सकते हो कि आपका ठीक आया कि नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दे रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।